जी बताइए कि किस तरह से जो है एक्सीडेंट हुआ आपकी टांग का। सुनारी प्लाजे का पास है, पहलवान गोट में सुनारी प्लाजे के पास गैरेज है, और पठान का जो सैयद है उनके पास में रहता था, तो वो सोया हुआ था गैरेज में, तो रश्के वाले ने आया उसको मेरी टांग से मार दिया, टांग तोड़ दी। उसके बाद मैं इनाम लिया, उन्होंने इलाज नहीं किया था, बोले ऐसे कट हो गया। उसके बाद मैं गाँव गया था बावनपुर में प्राइवेट बाबर नाम अहमदपुर जाकर। अच्छा आप ये बताएं कि आपको रक्षे चलाते हुए कोई तकलीफ तो नहीं होती है? आपकी टांग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी है और जो है जाहिर है पैसेंजर को आप लेके जा रहे हैं, उसमें फैमिलीज भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, तो आपका फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो आपको तो बहुत केयर करना चाहिए, आपको ड्राइविंग तो नहीं करना चाहिए। मजबूरी से कर रहा हूँ, मेरा भाई है दूसरा, उसका हाथ कटा हुआ, मेरी वालदा बीमार रहती है, उनके असरात मेरे सर के ऊपर है, मेरे वालिद साहब अभी बहुत हो गया, वो भी 2 साल बीमार रहे हैं, मेरा भी ये हुआ, मैं 2 दिन काम कर रही हूँ, मजबूरी से अभी खाना पीना खर्चा नहीं चला रही, मजबूरी से मैंने भाड़े का 8 दिन हो गए, एक घंटा मैंने पकड़ा है, ये मैं चला रहा हूँ अभी खाने के लिए, 2-3 हज़ार मैंने कल पर घर पर जाए, मेरे पास खर्चा नहीं था, मैं इलाज भी कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाया आपने, इलाज कराया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल विक्टोरिया हॉस्पिटल मेरे को डॉक्टर ने रेफर करके दिया था, बड़ा डॉक्टर है डॉक्टर नासिर बावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल का, वो मेरा इलाज करते रहे, उसने मेरे को ये फॉर्म बनवा के दिया, ये बोलता है कि ऐसे चलता रहो सेट हो जाएगा, अभी सेट नहीं हो रहा, मैंने उनको बोला था ये मेरा कार्ड बना दें फरियाद डाल दें, तो इसको ऑपरेशन नहीं किया, काटने के लिए मैं तैयार नहीं है बोलो, मैंने बोला काटने के लिए नहीं तैयार थे, ना इसको काटते हैं ना ऑपरेशन करते हैं, जहर भी फैल सकता है बॉडी को, अभी दवाइयाँ बहुत मुश्किल से मैं ले रहा हूँ, 1000-1500 रुपये की डेली की दवाइयाँ। ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी डिटेल में अपने प्रॉब्लम्स जो है बताई, आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो है हुकूमत या कोई इंतजामिया मेडिकल की आपकी हेल्प करें? हेल्प हो सके तो कुछ करते हैं, कोई चीज़ हो अभी तक छुट्टी नहीं किसी की है, तो जैसे मैं अपना इलाज करा सकूँ। ओके आपका बहुत बहुत शुक्रिया।